गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रसारोहण अथवा जल परिवहन, एसेंट ऑफ से फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आइए देखते हैं कि रसारोहण किसे कहते हैं। भूमि पर उगने वाले पौधे जल प्रायः मृदा से प्राप्त करते हैं। भूमि पर उगने वाले पौधे यानी प्लांट जल यानी वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा यानी सॉइल से प्राप्त करते हैं। इस जल के कुछ भाग की हानि वाष्पोत्सर्जन द्वारा होती है। इस जल यानी इस वाटर के कुछ भाग की हानि यानी लॉस किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। और जल की कुछ मात्रा यानी और जल की कुछ मात्रा पौधों की जैविक क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण आदि में प्रयोग होती है। ठीक है, और जल की कुछ मात्रा पौधे यानी प्लांट के जैविक क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस आदि में प्रयोग होती है। जल मूल यानी रूट के कॉर्टेक्स से जाइलम में होता हुआ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक है, जल यानी वाटर कैसे पहुंचता है? मूल यानी रूट के कॉर्टेक्स से जाइलम में होता हुआ पौधे यानी प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचता है। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व स्टाइल्स एवं कोकिंग, कौन है? स्टाइल्स एवं कोकिंग ने 1969 यानी 1969 में बताया, पादपों में इस प्रकार जल की ऊपर की ओर गति का अध्ययन किया। किसने इसका अध्ययन किया था? स्टाइल्स एवं कोकिंग ने, किस सन में? 1969 में। उन्होंने क्या बताया था, किसका अध्ययन किया था? कि पादपों में इस प्रकार जल की ऊपर की ओर गति का अध्ययन किया था। उन्होंने बताया कि जल यानी वाटर मूल द्वारा पत्तियों तक जाइलम के द्वारा पहुंचता है। क्या होता है? जल एंड वाटर मूल यानी रूट के द्वारा पत्तियों तक जाइलम के द्वारा ही पहुंचता है। जिस विधि द्वारा जल पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जल संवहन या स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जल संवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यह जल जो पौधे में पहुंचता है शुद्ध नहीं होता है। यह जल यानी यह वाटर जो प्लांट में पहुंचता है वह शुद्ध नहीं होता है, अर्थात जल में प्रायः अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। जल यानी वाटर में इनऑर्गेनिक सबस्टेंस तथा कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक सबस्टेंस घुले रहते हैं, अतः तनु घोल वाले जल को जाइलम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम रस यानी जाइलम सेप। और इस पानी का पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचने की क्रिया रसारोहण कहलाती है, यानी एसेंट ऑफ सेप कहलाती है। यह देखिए इसकी परिभाषा, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर तने में चढ़ता है, रसारोहण कहलाता है। ठीक है, क्या होगा कि मतलब जड़ों के द्वारा यानी रूट के द्वारा अवशोषित जल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर तने में यानी स्टेम में चढ़ता है, रसारोहण यानी एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। इसके आगे का अब हम अगले दिन पढ़ेंगे।